एक तरफ जहां जल स्तर बढ़ने से अन्य जनपदों में कई घटनाएं व कई खबरें सुनने को मिल रही हैं, वहीं बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली में अमावा तहसील सदर क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित है, जहां के पूरे लोनार व पूरे तिलक मजरे बघेल विकास क्षेत्र काफ़ी प्रभावित देखा गया है, जहां पर नाव का भी प्रयोग किया जा रहा है। दोनों गांव में लगभग सैकड़ों परिवार हैं, जिसमें लगभग 80 परिवार सब्जी की खेती करके जीवन यापन करते हैं। गांव का पानी भी खारा हो चुका है, वहीं काफ़ी हद तक अव्यवस्थाओं ने अपने पैर पसार लिए हैं। बात अगर सब्जी की खेती की जाए तो सब्जी 50 बीघे में टमाटर, मूली, बैंगन, पालक, भिंडी, तुरई, लौकी आदि की सब्जियों की प्राथमिकता थी, जो तैयार हो चुकी थी, पर जलभराव के कारण धान सहित सारी सब्जियां फसल बेकार हो गई हैं। क्या नाम है दादा? शिवशंकर सिंह। क्या समस्या है? अरे साहब, बाढ़ आई है जी, बाढ़ से पीड़ित हैं जी, बैल जानवर पीड़ित हैं, घर द्वार रहने का ठिकाना नहीं है, खेती बाड़ी सब चली गई। ये जानवर जैसे जैसा कि दिखाई पड़ रहा है आपके दरवाजे तक पानी भरा है, तो जानवर कहाँ बांधते हैं? अब इसी पानी में बंधे हुए हैं। चारा पानी की? चारा पानी साहब यही भूसा घासा जो है अपना दिया जा रहा है, नहीं बाहर से आ रहा है। हरा चारा कोई ठिकाना नहीं। जी 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 जी। और किस चीज़ की खेती करते हैं? अरे खेती यही रुइया कबार बोल तो रहा साहब, भिंडी है, तुरई है, लौकी है, और या टमाटर रहा। कितने में किया था आपने? लगभग 2-2.5 बीघा करीब लगभग रहा। तो पूरी फसल डूब गई? हाँ डूब गई, धान की फसल डूब गई सर। क्या नाम है? विवेक। किस गांव से हैं? पूरी तिलक। क्या समस्या है सर? तो देख लो, बाढ़ आई हुई है, घर पे पानी चढ़ गया है जी। आपको ये सब क्या करते हैं आप? अभी तो मैं पढ़ाई करता हूँ। तो विद्यालय जा पा रहे हैं या नहीं? अब जब से नाव आई जा रहा हूँ। जी जी जी। नहीं तो जी। आने जाने क्या, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? समस्या ही बाढ़ की वजह से जो घाटा लगाए थे सब, मोटे बाढ़ की बाढ़ फिर सब 2 बीघा तक सब कितने में लगाए थे? 2 बीघा। तो कोई अधिकारी आया था सर्वे करने? आए थे मगर कोनो सुनाई नहीं है। अच्छा, हाँ इसे देख रहे हैं जी। किस गांव से हैं? पूरे तिलक। क्या समस्या है? समस्या सर यहाँ पे पानी बहुत बढ़ गया सर, आने जाने की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत। क्या करते हैं आप? सर खेती करते हैं यहाँ पे। किस चीज़ की खेती करते हैं सर? यही टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्चा हो गया जी, यही सब खेती है सर। तो बची है आपकी फसल या नहीं? सर कुछ भी नहीं बचा है। कितने में की थी आपने खेती? सर लगभग एक। नाव किस लिए लगवानी पड़ी? नाव बारिश ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ चुकी है, यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। नाव लगाई, राशन पानी तेल सब कुछ इसी नाव से आते जाते हैं सब लोग, और कोई अन्य साधन नहीं है, बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, बस यही है। फसलें कितनी लगभग डूबी होंगी? फसलें कम से कम 300 बीघा जमीन डूब चुकी है धान की। यहाँ की मुख्य खेती क्या है? मुख्य खेती सब्जी है, सब्जी जितनी भी फसलें थी सब नष्ट हो चुकी है जी। क्या क्या सब्जियों में आप लोग सब्जी में जैसे तुरई है, जैसे लौकी है, मूली है, पलाकी है, अन्य सब्जी है, खीरा उरा हो जात रहा है, वही सब बेकार हो चुका है जी। लगभग कितने बीघे सब्जी की फसल? सब्जी कम से कम 40-45 बीघा।